अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज यास्मीन। आज मैं तमिल स्टाइल बिरयानी बनाने जा रही हूँ। चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। एक केजी गोश्त लिया है, देखिए इसमें फैट, चर्बी, हड्डी, नरम गोश्त सब कुछ है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही फैट है, इसीलिए मैं तेल कम डाल रही हूँ। अगर आपके गोश्त में कम फैट है तो आप 200 ग्राम तेल डालिए, 150 ग्राम तेल और 50 ग्राम घी, अगर आपको घी पसंद है तो, नहीं है तो 200 ग्राम तेल डालिए। मैंने यहाँ 1 kg बासमती सेला राइस ली है। आप चाहे तो इंडिया गेट राइस भी ले सकते हैं, इससे अच्छी बनेगी। 1-2-3 पानी से अच्छे से रगड़ के धोके से भीगने के लिए रखेंगे। देखिए भीगने के लिए रखेंगे, तकरीबन आधा घंटा तो ये भीगना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम हाफ एन आवर तो भीगना ही चाहिए। ये यहाँ दही लिया है, तकरीबन 200 ग्राम दही। देखिए 2 ग्राम लवंग ली है, 2 ग्राम इलायची ली है और 3 ग्राम दालचीनी ली है। मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच हल्दी लिया है, 10 ग्राम मिर्ची ली है और यहाँ पे 35 ग्राम नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले। यहाँ देखिए 1 मुट्ठी भर पुदीना लिया है, 1 मुट्ठी भर कोथिंबीर ली है, इसे धो के चॉप कर लेंगे, कट कर लेंगे। 1 नींबू लेंगे, आधा स्लाइस गोश्त में डालने के लिए, आधा स्लाइस चावल पकाते वक्त डालने के लिए। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, अदरक मैंने 100 ग्राम ली है और लहसुन 50 ग्राम लेके पेस्ट बनाया है। टोटल 150 ग्राम है अदरक लहसुन पेस्ट। यहाँ 400 ग्राम प्याज ली है, देखिए इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। ऑनियन 400 ग्राम, 400 ग्राम टमाटर लिया है, इन्हें इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। गैस पे भगोना रखा है, उसके अंदर तेल डाल दूंगी मैं। यहाँ 150 ml तेल डाल रही हूँ। अगर आपके गोश्त में ज्यादा चर्बी नहीं है तो 200 ml तेल डालिए। मेरे पास जो गोश्त है उसके अंदर थोड़ी चर्बी ज्यादा है, गोश्त की फैट, इसलिए मैं तेल कम डाल रही हूँ। मिनिमम इस बिरयानी के लिए 200 ml तेल चाहिए। सब कुछ इसमें डाल देंगे, डाल के इसे पका लेंगे। हल्का सा 1 मिनट के लिए इसे पका लिया है। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे, मैं आधी प्याज डालूंगी अब और थोड़ी प्याज बाद में डालने के लिए रखूंगी। देखिए प्याज को ऐसे ही चम्मच घुमाते हुए हल्की सी ब्राउन कर लेंगे इसे। देखिए प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी अदरक लहसुन पेस्ट भी फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर लाल मिर्ची, हल्दी और नमक थोड़ा सा रख लूँगी मैं, नमक बाद में देख के डालूंगी। इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम लो पे है, इसे हल्का सा फ्राई होने के लिए देंगे। हल्का सा फ्राई हो चुकी है, अब इसके अंदर ये गोश्त डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। हल्का सा इसे फ्राई कर लिया है, अब इसके अंदर पुदीना और कोथिंबीर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें दही डाल देंगे, तकरीबन 150 ml दही डालेंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें 1/2 lemon का जूस डाल देंगे, नींबू का रस 1/2 slice ही डाल रही हूँ मैं, इसे मिक्स कर लेंगे इसे। गैस की फ्लेम मीडियम लो पे ही रखा है अभी। ये टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, मैंने थोड़ी प्याज बचा के रखी थी, तकरीबन आधे से भी ज़्यादा डाली थी मैं फ्राई करते वक्त। अब एक थोड़ी प्याज रखी हूँ, वो मिक्स कर लूँगी इसके अंदर डाल के। इसके ऊपर प्लेट ढक के ऐसे बीच बीच में चम्मच घुमाते हुए पका लेंगे इसे, मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें 3 हरी मिर्ची इस तरह से तोड़ के डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तकरीबन 10 मिनट से मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम पर पका लिया है। इसके अंदर 1 लीटर जितना पानी डाल देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक गोश्त गल जाए तब तक। ये देखिए मैंने इसे कोयले की सेगड़ी पे रख दिया है पकने के लिए, जब तक गोश्त गल जाए तब तक इसे पकने के लिए देंगे दम पे। आप गैस पे भी रख सकते हैं, मीडियम लो फ्लेम पे, मैं यहाँ सेगड़ी पे रख रही हूँ, बाद में वही कोयले ऊपर डालने के लिए काम आएंगे इसीलिए। ये देखिए तकरीबन 45 मिनट से पक रहा है, ये सिगड़ी के ऊपर पकने के लिए रखा था। ये देखिए गोश्त भी गला है, अब इसे साइड में रख लेंगे। यहाँ पे पानी रख लेंगे चावल पकाने के लिए। देखिए गैस पे मैंने पानी अदनाने के लिए रखा है, इसके अंदर पुदीना और कोथिंबीर डाल देंगे और थोड़ा सा नींबू का, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे इसके अंदर।
पानी में उबाल आ चुका है, इसमें चावल डाल देंगे जो भिगा के रखी थी। वो सारे चावल को पानी निकाल के डाल देंगे, तकरीबन 1/4% जितना पका लेंगे इसे। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दें, येलो फूड कलर, क्योंकि चावल 40% पक चुकी है। अब इसे निकाल के उस पके हुए गोश्त में डालते हुए जाएंगे, ऐसे ही पानी स्टेन करते हुए उसमें डालते जाइए। देखिए चावल पूरी मैंने भगोने में डाल दी है, चावल देख लीजिए दम होगी या नहीं, नहीं तो और थोड़ा इसमें पानी डाल लेंगे जो उबाल के रखा था वो। इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने नीचे एक तवा रखा है, इसके ऊपर प्लेट रख के जो उबाला था वो पानी रख देंगे गर्म वाला, और इसे 20 मिनट के लिए दम होने के लिए छोड़ देंगे। तवा रखने के बाद हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखा था, उसके बाद अब मीडियम लो करके इसे ऐसे रख देंगे गर्म पानी से। देखिए दम हो चुकी है ये। प्लेट में निकाल लेंगे इसे। देखिए गोश्त भी अच्छे से गला है, बहुत ही अच्छी बनी है बिरयानी। देखिए हमारी बिरयानी रेडी है, ये तमिल स्टाइल बिरयानी है, आप भी इसे जरूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।